दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारे चैनल की न्यू अपडेट्स सबसे पहले मिले। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके बताने वाला हूँ एसर के नाइट्रो 7 गेमिंग लैपटॉप का, जो कि i5 वाला वेरिएंट है। तो गाइस इस वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके बताने वाला हूँ एसर नाइट्रो 7 गेमिंग लैपटॉप का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ वीडियो के नीचे जाके उस लाल कलर के बटन को दबाइए एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है हमारे एसर नाइट्रो 7 का बॉक्स। तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं इस बॉक्स को, आप लोग देख ही सकते हैं कुछ ऐसा बॉक्स है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है हमारे एसर नाइट्रो 7 का ओरिजिनल बॉक्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड से। एंड गाइज इसे जो है हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ से हम लोग जो है इसे कट कर लेते हैं। ओके, तो गाइज अब आप लोग देख सकते हैं हमारा बॉक्स जो है ओपन हो चुका है। तो अब जो है हम लोग सेफली निकाल लेते हैं हमारे लैपटॉप को। ओके, तो फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं हमारा लैपटॉप जो है बाहर आ चुका है। एंड गाइज आप लोग देख ही सकते हैं इसके ऊपर आपको कुछ गाइड्स देखने को मिलती हैं, ये शायद से मैनुअल से, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। इसे हम रख देते हैं साइड में। एंड फ्रेंड्स बॉक्स के अंदर आपको एक छोटा सा बॉक्स और देखने को मिलता है, जो कि इसके अंदर आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो गाइज मैं जो है आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसे साइड में रख देते हैं। एंड गाइज बॉक्स के अंदर आपको और कुछ देखने को नहीं मिलता, तो गाइज इसे जो है हम लोग साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा लैपटॉप। तो गाइस इसे जो है हम लोग जल्दी से ओपन कर लेते हैं। गाइस आप लोग देख ही सकते हैं इसे जो है काफ़ी सेफ्टी के साथ रखा जाता है। तो गाइज अब आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा लैपटॉप काफ़ी शाइनी लुक के साथ। एंड गाइज ऊपर की तरफ जो है आपको एसर की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हैं चार रबर स्ट्रिप्स देखने को मिलती है, जिससे आपका लैपटॉप जो है स्लिप ना हो। एंड गाइज इसके अंदर जो है आपको दो फैंस देखने को मिलते हैं, एक GPU एंड एक CPU के लिए। एंड गाइज अगर आप इस लैपटॉप में अगर न्यू हार्डवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं जैसे कि SSD या RAM, तो इसके लिए जो है आपको पूरा बैक पैनल खोलना पड़ेगा। इसके लिए कोई सेपरेट पैनल नहीं मिलता, आपको पूरा बैक पैनल खोलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब जो है हम लोग ओपन कर देते हैं इसकी लिड। एंड फ्रेंड्स इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं एक और मैनुअल देखने को मिलता है, जो कि इसका स्टार्टअप गाइड है, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए इसे जो है हम लोग रख देते हैं साइड में। एंड गाइज यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक क्लॉथ देखने को मिलता है, जो कि सेफ्टी के लिए डर्ट ना लग जाए ताकि। तो फ्रेंड्स यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये है हमारे लैपटॉप का फर्स्ट लुक। एंड गाइज इसे जो है फर्स्ट टाइम ऑन करने के लिए हमें चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये है इसकी चार्जर की पिन, तो इसे जो है हम लोग यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं ताकि इसे हम लोग ऑन कर सकें। मैंने जो है इस चार्जर को यहां पर कनेक्ट कर लिया है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है इस लैपटॉप का चार्जर या फिर कह सकते हैं एडाप्टर। तो गाइज ये जो एडाप्टर है वो काफ़ी बड़ा है साइज में, काफ़ी मोटा है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ आपको एसर की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और गाइज ये जो है इसके साथ मिलने वाला ओरिजिनल चार्जर है। एंड गाइज पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हैं इस चार्जर के स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है। एंड गाइज इस चार्जर का जो इनपुट है वो आपको 240 वोल्ट से 2.5 एम्पियर मिलता है। एंड गाइज आउटपुट जो है वो 7.1 एम्पियर तक मिलता है, जो कि काफ़ी फास्ट चार्जर है। तो गाइज इसे जो है हम लोग प्लग कर देते हैं। एंड गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हमने प्लग किया यहाँ पर आपको ऑरेंज लाइट देखने को मिल गई चार्जर पे। तो गाइज अब जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका पावर बटन, तो इसे यहाँ से ऑन कर लेते हैं। एंड गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसकी बैक लाइट है जो जल चुकी है। एंड गाइज यहाँ पर इसका एसर का लोगो आ चुका है। तो फ्रेंड्स मैं जो है इस लैपटॉप का फर्स्ट टाइम सेटअप कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो गाइज जब तक हमारा लैपटॉप ऑन होता है तब तक जो है मैं आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ।
तो गाइस बात करें अगर इस लैपटॉप के ड्यूरेबिलिटी की, तो इसके अंदर जो है आपको काफ़ी स्लिम बॉडी देखने को मिलती है जिसे आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। एंड इस लैपटॉप के ऊपर आपको मेटल फिनिशिंग देखने को मिलती है काफ़ी शाइनी लुक के साथ। एंड गाइस आपको इस लैपटॉप में जो है 2.5 kg तक का वेट देखने को मिलता है। तो गाइस अब बात करें इस लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में, तो इसमें जो है आपको सबसे पहले एक इंटरनेट पोर्ट देखने को मिलता है, एक HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, एक USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है एंड गाइस दो 3.0 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं। एंड गाइस अगर बात करें दूसरी साइड के, तो यहाँ पर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है और एक 2.0 का USB पोर्ट एंड सबसे लास्ट में जो है आपको चार्जर का पोर्ट देखने को मिलता है। तो गाइज अगर बात करें इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर जो है आपको 15.6 इंचेस का फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड गाइज इस डिस्प्ले के जो बेजल्स है वो आपको 7.48 mm तक मिलते हैं, जिससे डिस्प्ले की साइज जो है और बड़ी मिलती है। एंड गाइज इस डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट जो है उसमें आपको दो वेरियंट्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस पहले वेरिएंट में जो है आपको 144 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है एंड गाइस दूसरे वेरिएंट में आपको 60 हर्ट्ज तक की मिलती है। एंड गाइस 144 हर्ट्ज वाले वेरिएंट की प्राइस 60 हर्ट्ज वाले वेरिएंट से ज़्यादा है। तो गाइज अगर बात करें इस लैपटॉप के प्रोसेसर्स के बारे में, तो इसके अंदर भी जो है आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एंड गाइज पहला जो वेरिएंट है उसमें आपको 2.40 GHz इंटेल कोर i5-9300H 9th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड गाइज दूसरा जो प्रोसेसर है वो i7-9th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर है, जो कि i5 से भी ज़्यादा अच्छा एंड तेज़ है, बट i7 की जो प्राइस रेंज है वो i5 से भी ज़्यादा हाई है। तो गाइज अगर बात करें इस लैपटॉप के ग्राफिक कार्ड की, तो गाइज i5 वाला जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको NVIDIA GeForce GTX 1650 का 4GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। एंड गाइज i7 वाला जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको NVIDIA का GeForce GTX 1650 Ti 6GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। तो गाइज अगर बात करें इस लैपटॉप के रैम के बारे में, तो इसके अंदर जो है आपको 8GB DDR4 रैम देखने को मिलती है, जो कि 32GB तक अपग्रेडेबल है। एंड फ्रेंड्स i7 वाला जो प्रोसेसर है उसमें भी आपको 16GB तक की रैम देखने को मिलती है, जो कि 32GB तक अपग्रेडेबल है। तो गाइज अगर बात करें इस लैपटॉप की स्टोरेज के बारे में, तो गाइज स्टोरेज में जो है आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस भी नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो गाइज मैं जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वेरिएंट्स की लिंक दे दूंगा, जो आप डायरेक्टली जाके वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट डिफरेंट आपको प्राइस के साथ सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज अगर बात करूँ मेरे पास जो लैपटॉप है उसमें जो स्टोरेज है, तो गाइज मेरे पास जो लैपटॉप है उसमें आपको 256GB SSD एंड 1TB की हार्ड ड्राइव देखने को मिलती है। तो गाइज अगर बात करें इस लैपटॉप के साउंड के बारे में, तो इसमें जो है आपको वेव मैक्स ऑडियो एंड एसर ट्रू हार्मोनी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है, जिससे आपके लैपटॉप की साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर सुनाई देती है। तो गाइज अगर बात करें इस लैपटॉप के बैटरी लाइफ के बारे में, तो इसके अंदर जो है आपको अप टू 7 hours की बैटरी लाइफ देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन गाइज अगर आप एडिटिंग या गेमिंग कर रहे हो, तो गाइज आपको जो है इस लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट रखना पड़ेगा, वरना गाइज आपको जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। एंड गाइज आपको इस लैपटॉप के साथ 1 साल तक की वारंटी देखने को मिलती है। ओके तो गाइज अब आप लोग देख सकते हैं हमारा लैपटॉप जो है ऑन हो चुका है। एंड गाइज ये जो है विंडोज 10 होम एडिशन है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो गाइज अब जो है मैं आपको इस लैपटॉप की प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ। ओके तो गाइज अब यहाँ पर आप लोग ऊपर की तरफ देख सकते हैं हमारे लैपटॉप की प्रॉपर्टीज, विंडोज 10 होम सिंगल एडिशन आपको देखने को मिलता है। एंड गाइज यहाँ पर आपको प्रोसेसर इंटेल कोर i5 देखने को मिलता है 2.40 GHz के साथ। एंड गाइज इसकी जो रैम है वो 8GB है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7.84 अवेलेबल है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप लोग देख ही सकते हैं 64-bit का है। एंड गाइज इस लैपटॉप की एक मेन बात है जो कि इस लैपटॉप को सबसे अलग बनाती है, सबसे खास बनाती है नॉर्मल लैपटॉप से, जो कि है इसका नाइट्रो सेंस। तो गाइज मैं अब आपको बताता हूँ कि इस नाइट्रो सेंस में क्या होता है एंड कैसे आप कुछ कर सकते हैं। ओके तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको कीबोर्ड में एक डेडिकेटेड बटन दिखता है नाइट्रो सेंस के लिए, जिसे आप दबाते ही आप लोग देख सकते हैं लैपटॉप में जो है हमारा नाइट्रो सेंस ओपन हो चुका है। तो गाइज ये जो है हमारे लैपटॉप की स्पेशल एबिलिटी है।
ओके तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस है नाइट्रोसेंस का। ऊपर की तरफ आपको एसर की ब्रांडिंग एंड नाइट्रोसेंस देखने को मिलता है। एंड गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो दो चीज़ देखने को मिलती है वो है सीपीयू एंड जीपीयू के आरपीएम, मतलब ये दोनों फैंस के आरपीएम आपको देखने को मिलती है। एंड गाइस, ये जो एरिया है यहाँ पर आपको टेम्परेचर एंड परसेंटेज देखने को मिलता है सीपीयू एंड जीपीयू का, कि सीपीयू कितना परसेंट वर्क पे है एंड जीपीयू कितना परसेंट वर्क पे है। एंड गाइस, यहाँ पर से आप दोनों के टेम्परेचर भी देख सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर से जो है आप अपने लैपटॉप का मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस, बैलेंस या पावर सेवर। एंड गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी के लिए अलग, एंड गाइस जब आपका लैपटॉप प्लग्ड इन हो उसके लिए अलग। तो गाइस, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, अगर आपका लैपटॉप प्लग्ड इन है तो आप हाई परफॉर्मेंस रख सकते हैं, लेकिन गाइस अगर आप बैटरी पे हो तो आप जो है इसे पावर सेवर पे रख सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर से जो है आप अपने लैपटॉप के दोनों फैंस की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका लैपटॉप काफी ज्यादा गर्म हो जाए तो आप उसे मैक्स पे कर सकते हैं, जिससे आपका लैपटॉप जो है काफी जल्दी कूल डाउन हो जाएगा। एंड गाइस, इस कस्टम के ऑप्शन पे आपको अपने दोनों फैंस को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप अपने सीपीयू का फैन या फिर जीपीयू का फैन जो है ज़्यादा रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी एक को कम कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से आप चाहें तो रख सकते हैं अगर आपका जो जीपीयू ज़्यादा वर्क में है या अगर आपका जो सीपीयू है वो ज़्यादा वर्क में है। एंड गाइज, यहाँ पर राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हैं कूल बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, जिससे आपका लैपटॉप जो है अगर काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, जिससे आपका लैपटॉप जो है काफ़ी जल्दी एंड काफ़ी फास्ट मतलब ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा अगर काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो। एंड गाइज, आप जब गेमिंग करते हैं तो ऑफकोर्स आपका लैपटॉप जो है काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है, तो आप जो है गेम खेलते खेलते नाइट्रोसेंस का बटन दबा सकते हैं, डायरेक्टली जो है आप अपने मतलब फैंस को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपका लैपटॉप जो है कूल डाउन हो जाए। एंड गाइज, यहाँ से जो है आपको एसर ट्रू हार्मनी का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो जिससे यहाँ से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे कि मूवीज, गेमिंग एफपीएस। तो गाइस, मैंने जो है गेमिंग एफपीएस पे सेट करके रखा है, आप चाहे तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर से जो है आप राइट क्लिक करके अपने एनवीडिया कंट्रोल पैनल पे जा सकते हैं, अपने ग्राफिक की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एनवीडिया का कंट्रोल पैनल खुल चुका है, एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं मतलब अपने सेटिंग चेंज करने के लिए। तो गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैनेज 3D का ऑप्शन मिलता है, जिससे जो है आप अपने कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर है कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपको किस प्रोसेसर पे अपने सॉफ्टवेयर को ऑन करना है। तो गाइज, अब मैं आपको हमारे लैपटॉप की स्टोरेज बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो डिस्क देखने को मिलती है, एक तो लोकल डिस्क सी एंड लोकल डिस्क डी। तो गाइज, यहाँ पर जो लोकल डिस्क सी है ये है हमारी SSD, एंड गाइज ये जो लोकल डिस्क डी है ये है हमारी हार्ड ड्राइव। तो गाइज, लोकल डिस्क सी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी भरी हुई है, क्योंकि गाइज इसमें जो है विंडोज जो है प्री इंस्टॉल इसी में होता है। तो गाइज, ये लोकल डिस्क डी जो है ये पूरी एम्प्टी मिलती है, इसमें जो भी स्टोरेज है वो सब मैंने स्टोर किया है, इसलिए गाइज ये जो है थोड़ी सी भरी हुई है, वरना गाइज ये जो है आपको पूरी एम्प्टी मिलती है। तो गाइज, अब तक अगर आपने हमारी वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखी है तो थैंक यू वेरी मच। एंड फ्रेंड्स, आप ये जो गेमिंग सेट देख रहे हैं, तो गाइज इस पूरे गेमिंग सेट का जो है मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू हमारे चैनल पर डालने वाला हूँ, इसलिए गाइज आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप ये जो पूरा गेमिंग सेट की अनबॉक्सिंग देख सकें। तो गाइज, अब आप एक बार देख लो इस Acer Nitro 7 गेमिंग लैपटॉप का लुक। ओके, तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करना, एंड गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आ सकूँ। एंड गाइज, अगर मुझसे कोई पार्ट मिस हो चुका है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।